अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। क्लास टू मैं आप लोगों को आज उर्दू की बुक वर्किंग करवाऊंगी। नाउ टेक आउट योर बुक एंड ओपन पेज नंबर 75। ठीक है, कल हम लोगों ने अपना चैप्टर कंप्लीट किया था। चैप्टर का नाम था डॉक्टर साहब। मैंने आप लोगों को एक स्टोरी बताई थी। यहाँ पे वकार बच्चा था जो कि उसको डॉक्टर से चिढ़ थी। ठीक है, उसको डॉक्टर बहुत ज़्यादा नापसंद थे। लेकिन एक दिन वो बीमार हो गया तो डॉक्टर ने उसे जब इंजेक्शन लगाया उसे तकलीफ़ का एहसास नहीं हुआ। मैंने आपको बताया था उसको डॉक्टर क्यों ना पसंद थे, क्योंकि डॉक्टर उसे कड़वी कड़वी दवाई देते थे। ठीक है, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, उसे डॉक्टर अच्छे लगने लगे और उसने क्या फैसला किया कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूँगा। क्योंकि मुख्तलिफ पेशों के अफराद, यानी कि कोई भी इंसान किसी भी फील्ड में हो, वो किसी ना किसी की क्या करता है, हेल्प ज़रूर करता है। तो डॉक्टर क्या करते हैं, इंसानों की खदमत करते हैं। आज हम इसकी बुक ब्रेकिंग करेंगे। 75 पेज नंबर पे आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ टॉप पे लिखा हुआ सरगर्मियाँ। मैंने आपको बताया था सरगर्मियाँ हम किसे कहते हैं, सरगर्मियाँ हम कहते हैं एक्टिविटीज़ को। ठीक है, सरगर्मियों में सवाल नंबर 1 दिया हुआ, सवालों के जवाब लिखे। यहाँ पे आपने क्या करना है, क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए इनके, आपने ये कंप्लीट करने। ठीक है, यहाँ पे सवाल पहला है, नंबर है, सवाल नंबर 1 है, वकार को डॉक्टर क्यों ना पसंद थे। कौन सा सवाल है, वकार को डॉक्टर क्यों ना पसंद थे। जवाब है आपके पास, क्योंकि जब भी वकार बीमार होता डॉक्टर उसे कड़वी कड़वी दवाएं देते थे। ठीक है, काफ रे कड़ वाव छोटी वी कड़वी दवाएं, दाल वलिफा हमजा ये ई नून गुन्ना दवाएं। ठीक है, क्यों पसंद थे, आपको बताया था मैंने डॉक्टर क्यों ना पसंद थे वकार को, क्योंकि वो उसे इंजेक्शन लगा देते थे टीका और उसे कड़वी कड़वी दवाएं देते थे जिसकी खुशबू से उसे बहुत ना पसंद थी, जिसकी खुशबू। यहाँ पे कोई मुश्किल वर्ड है, यहाँ पे मैं आपको लिख के बताती हूँ। दवाएं यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल वर्ड है। ठीक है, यहाँ देखें हम दवाएं कैसे लिखेंगे। दाल हम लाइन से ऊपर बनाएंगे, वाओ अलिफ दवा हमजा की आदि अशकाल। जब हम हमजा लगाते हैं तो उसका आदि अशकाल हम लाजमी बनाते हैं, ये की आदि शक्ल, फिर नून गुन्ना। ठीक है, आपने इस तरह से लिखना है दवाएं। अब हम देखते हैं दूसरे सवाल में क्या कह रहे हैं। दूसरा सवाल है, सवाल नंबर 2 है, आपने पेंसिल से वर्किंग करनी है। वर्किंग करने से पहले आपको मालूम है हम टॉप पे क्या करते हैं, डेट लाजमी शो करते हैं। सवाल नंबर 2 है, वकार क्यों बीमार हो गया था, उसने क्या किया था। मैंने आपको बताया था, आपने पूरी चैप्टर पढ़ा, पूरी अच्छी सी स्टोरी मैंने आपको समझाई क्यों वकार जो है बीमार हुआ था, क्योंकि वकार ने ठेले वाले से आलू छोले लेकर खा लिए थे। बाहर की चीज़ आपको पता है किस तरह से बनती है, आपको तो नहीं पता ना कि उन्होंने आलू वॉश किए थे या फिर छोले वॉश किए थे, नहीं ना। तो आप लोग भी बाहर से चीज़ें नहीं लेके खाया करें। जिस तरह से वकार बीमार हो गया था, क्या बात आप लोग बीमार हो जाए। ठीक है, अलिफ मत आ लाम वालू आलू छे वा छो लाम्बड़ी ले छोले। मैं आपको एक बार लिख के दिखा देती हूँ, ठेले वाले ठे ये ठे लाम्बड़ी ले ठेले, देखें ठे इसी के साथ ये की आधी शक्ल, लाम की आधी शक्ल, उसके बाद बड़ी है ठेले। वाव अलिफ वा लाम्बड़ी ले वाले सीन बड़िए से ठेले वाले से अलफ मत आ लाम वालू आलू छे छे के साथ ही हम क्या बनाएंगे, वाव बनाएंगे छे वा छू लामड़िए ले छोले। ठीक है, उसने क्या किया था, ठेले वाले से आलू छोले लेकर खा लिए थे। सवाल नंबर 3 है आपके पास, रात के वाकये से वकार को क्या अंदाज़ा हुआ। जब रात में उसके बहुत ज़्यादा पेट में दर्द हो रहा था, दादी ने उसको हाजमे का चूरन दिया, उसको आराम नहीं आया, तो फिर उसकी मम्मा ने क्या किया था, बराबर में रहने वाले यानी कि पड़ोस में रहने वाले डॉक्टर साहब को बुलवा लिया था। तो यहाँ पे देखते हैं क्या हुआ था, वकार को अंदाज़ा हुआ कि डॉक्टर इंसानियत की खदमत करते हैं, यानी कि इंसानों के काम आते हैं, उनकी मदद करते हैं। अलिफ नून एन सीन अलिफ सा इंसा नून ये नी ये तैयत इंसानियत काफ छुटिए की इंसानियत की खे दाल खद मिमते मत खदमत। ठीक है,
इंसानियत आप लोग देख लें कैसे लिखते हैं। अलिफ नून की आधी शक्ल, इसी के साथ सीन की आधी शक्ल, अलिफ इंसा, फिर नून की आधी शक्ल, ये की आधी शक्ल, इसी के साथ ते। इंसानियत खदमत देखें कैसे लिखेंगे, खे की आधी शक्ल, खे के साथ ही हम क्या बनाएंगे दाल। मीम की आधी शक्ल, फिर ते खदमत। ठीक है, ये आपके वो मुश्किल वर्ड्स हैं जो आपको लिखने में प्रॉब्लम होती है। सवाल हमारे पास नंबर फोर है। सवाल नंबर फोर है, वकार बड़ा होकर क्या बनना चाहता था और क्यों बनना चाहता था। जब उसने देखा कि डॉक्टर्स जो हैं इंसानियत की खदमत करते हैं, इंसानों की मदद करते हैं, तो उसने दिल में क्या सोचा कि मैं भी बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा और मैं भी लोगों की क्या करूंगा, खदमत करूंगा। इसी तरीके से फिर यहाँ पे देखें कैसे लिखेंगे, वकार क्या बनना चाहता था। हमारे पास यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए हमने यहाँ पे वन वर्ड का आंसर दिया। वकार बड़ा होकर क्या बनना चाहता था, मैंने लिखा है डॉक्टर। उसके बाद मैंने खत्मा लगा दी क्योंकि हमारे पास एक सवाल कंप्लीट हुआ। फिर यहाँ पे इससे दूसरा सवाल है, और क्यों बनना चाहता था, क्योंकि वो लोगों की खदमत करना चाहता था। लाम वालो गा फागो नुन गुन्ना, लोगों का चुटी की खैदाल खैद मीमते मत खदमत। आपने ये वर्किंग पेंसिल से करनी है, नीट एंड क्लीन राइटिंग वर्किंग करेंगे। एक बार फिर से देख लें, आपके पास फोर क्वेश्चन है। हार्ड वर्ड जो थे वो मैंने आपको लिख के दिखा दिए। अगर पढ़ लें वकार को डॉक्टर क्यों ना पसंद थे, क्योंकि मेरे साथ साथ पढ़ेंगे आप लोग, क्योंकि जब भी वकार बीमार होता डॉक्टर उसे कड़वी कड़वी दवाई देते थे। ठीक है, सवाल है आपके पास नंबर दो, वकार क्यों बीमार हो गया था। जवाब है, क्योंकि वकार ने ठेले वाले से आलू छोले लेकर खा लिए थे। सवाल नंबर तीन है, रात के वाकिए से वकार को क्या अंदाज़ा हुआ। जवाब है, वकार को अंदाज़ा हुआ कि डॉक्टर इंसानियत की खिदमत करते हैं। सवाल नंबर चार है, वकार बड़ा होकर क्या बनना चाहता था। जवाब, डॉक्टर। फिर आगे है कंटीन्यूअरबाजी वाला सवाल, और क्यों बनना चाहता था, क्योंकि वो लोगों की खिदमत करना चाहता था। आप लोगों ने नीट एंड क्लीन राइटिंग वर्किंग करनी है, पेंसिल से वर्किंग करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।